औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, योर इंग्लिश लेक्चर फॉर ग्रेड वन, योर टॉपिक्स नेम आर नोइंग एंड शोइंग कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीबोर्ड्स, different keys or keyboard, alphabetic and numeric keys, play with alphabet and numeric keys, understanding of mouse and its function, concepts of icon and files, use MS Paint and different shapes in paint। students, ये आपके सारे topics जो हैं, ये आपके revision के topics हैं। ये सारे के सारे जो topics हैं, ये आप लोग complete कर चुके हैं। और ये जो slide है, ये आप लोगों की, और ये जो video lecture है, ये आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ revision का lecture है, ठीक है? ये सारे के सारे जितने भी topics हैं, ये आप लोगों ने सारे के सारे पहले किए हुए हैं। बट आप लोगों ने को ये वाले जो वीडियो है, उसके अंदर आपको इन सब एक एक दफ़ा ओवरव्यू दिया जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोइंग एंड शोइंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है वो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितनी जो है वो कंप्यूटर के अंदर बेसिक जो पार्ट्स है कंप्यूटर के, वो क्या क्या हैं। मॉनिटर किसे कहते हैं, सीपीयू किसे कहते हैं, कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस, स्पीकर्स और प्रिंटर, ये सारे के सारे जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। और आप लोगों को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो जो हार्डवेयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर का टचेबल पार्ट होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग, जिसको हम डिफरेंट फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है? जैसे कि आपके पास कीबोर्ड है, उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो आपको रिजल्ट शो करती हैं, ठीक है? जैसे आप कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन करने के लिए देते हैं, तो वो जो आपको रिटर्न शो करती है, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आपके पास मॉनिटर है, ठीक है? उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीबोर्ड्स। द कीबोर्ड इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड टू इनपुट द टेक्स्ट, कैरेक्टर एंड अदर कमांड्स इनटू द कंप्यूटर और सिमिलर डिवाइसेस। तो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड हम किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर का ऐसा पार्ट होता है, जिसको हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी डाटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद है डिफरेंट कीज़ ऑफ कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह से कीज़ नज़र आती हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको ये एस्केप की नज़र आती है, उसके बाद ये सारी की सारी फंक्शन की हैं, जिसके ऊपर F1 से लेकर F12 तक सारी की सारी कीज़ हैं। उसके बाद आपके पास जो है ये सारी की सारी अल्फ़ाबेट कीज़ है, जहाँ पर आपकी ABC लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल की है, ये सारी की सारी कीज़ यहाँ पर मैंशन है। ये सब सारी की सारी कीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक कीज़। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो तरह की जो मेन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, एक होती है अल्फ़ाबेट कीज़, एक होती है न्यूमेरिक की। तो स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट की कौन सी होती है, जिसके ऊपर आपकी ए से लेकर जी तक सारी की सारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। उसके अलावा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है, जिसके ऊपर आपकी 0 से लेकर 9 सारी की सारी काउंटिंग लिखी होती है। ओके, उसके बाद है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ माउस एंड इट्स फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, माउस का फंक्शन क्या है, और माउस कहते किसे हैं? तो स्टूडेंट्स, माउस ही होता है पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है? जिसको, जो कंप्यूटर को कोई भी सिग्नल या आपको एक एरो या कोई भी क्लिक वगैरह परफॉर्म करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूज़ होता है, ठीक है? जैसे आप माउस के ऊपर आप देखेंगे, आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं, एक आपका लेफ्ट, एक राइट और एक है स्क्रॉल बार, ठीक है? तो ये दो जो बटन हैं आपको नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट और राइट, तो आप लोग इन्हीं को यूज़ करते हुए और स्क्रॉल बार को यूज़ करते हुए जो है वो आप लोग कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करने के लिए कोई भी काम आप परफॉर्म करें, जैसे आपको कोई भी पॉइंटर, जैसे मैं आपको ये पॉइंटर दिखा रही हूँ, तो ये माउस की वजह से ही आपको नज़र आ रहा है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब कोई भी जगह को पॉइंट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है कंप्यूटर के ऊपर, वो होती है माउस। और माउस के जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
उसके बाद है आपका कंसेप्ट्स ऑफ आइकन्स एंड फाइल्स। तो स्टूडेंट्स जो आइकन्स और फाइल्स के अंदर दो तरह से डिफरेंस होता है, आप ये देखें, जो आइकन्स आपको एक कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन नज़र आती है, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो आपको सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आइकन्स हैं। और जो फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी डाटा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप फाइल्स खुद से बनाते हैं और उसके अंदर अपना अपना जो डाटा सेव करना होता है वो आप इसके अंदर सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ MS पेंट एंड डिफरेंट शेप्स इन पेंट। तो स्टूडेंट्स आप MS पेंट को यूज़ करते हैं, ये एक ड्राइंग टूल है। जैसे कि आप पेंसिल, एयर ब्रश जैसे आप लोग एक कॉपी के ऊपर ड्राइंग करते हैं, इसी तरह से आप कंप्यूटर के ऊपर ड्राइंग करने के लिए MS पेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पेंसिल नज़र आ रही है, पेंसिल, रेजर और डिफरेंट तरह से आपके पास ऑपरेशन आप यूज़ करते हुए कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डिफरेंट तरह से शेप्स वगैरह आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसी तरह को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर एक कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने को जितना भी रिवीजन का लेक्चर्स आपको मैंने टॉपिक्स असाइन किए हैं, बताए हैं, आप लोगों ने उन सब सारे सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पहले जो है वो रिवाइज करना है। उसके बाद आप लोगों को जहाँ जहाँ पे काम कंप्लीट नहीं है वहाँ पर आप लोगों ने अपना अपना जो है सारा का सारा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।